हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी देने वाले हैं। तो जो हमारा रिक्रूटर ओल वाला पेज था, यहाँ पे हम एक डिलीट का ऑप्शन दे देते हैं। आप चाहें तो सभी में दे सकते हैं, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड में, या ओनली ओल वाले में दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर ओल वाले पेज पे। एंड लास्ट में जहाँ पे मैंने ये चेंज स्टेटस वाला लिंक दिया है, इसी के साथ साथ मैं एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो ये टेबल डेटा, मतलब टीडी क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पे एक बार का सिंबल यूज कर लेता हूँ। एंड देन आफ्टर मुझे एक और एंकर टेक देना है। तो ये जो हमारा एंकर टेक था, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये चेंज स्टेटस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डिलीट अंडरस्कोर रिक्रूटर। ओके, आईडी हम पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। और उसके बाद यहाँ पे बटन सक्सेस की जगह मैं इसका क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, बटन डेंजर। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट। तो अभी हमें एरर डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने ये यूआरएल पैटर्न नहीं बताया है। तो हम जाते हैं urls.py के अंदर, और जैसे हमने डिलीट यूज़र के लिए url पैटर्न दिया था, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर रिक्रूटर। ठीक है, अब ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं views.py के अंदर जाके। तो ऑलरेडी हमने डिलीट यूजर का फंक्शन क्रिएट किया होगा, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे डिलीट यूजर की जगह मैंने लिख लिया डिलीट रिक्रूटर। ठीक है, एंड अब मुझे रिक्रूटर मॉडल से डिलीट करना है। ठीक है, हालांकि हम इसको चाहें तो रिक्रूटर मॉडल से ना डिलीट करते हुए यूज़र मॉडल से डिलीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट यूज़र से डिलीट करने से क्या प्रॉब्लम आएगी, हम पहले वो नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू यूजर्स में जाके अभी मेरे पास कितने यूजर्स का डेटा है। ओके, तो एक यूजर हमारे पास यहाँ पे है। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 127.0.0.1 colnet 1000। एंड यहाँ पे जब आप स्लेश एडमिन लगाते हो तो जेंगो का जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आ जाता है, बट मेरे उसमें नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था, मैंने यहाँ पे यूआरएल पैटर्न को चेंज किया था। एडमिन की जगह मैंने क्या लिख दिया था, एडमिन पैनल लिख दिया था। तो जेंगो का जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलता है, वहाँ तक जाने के लिए मुझे यूआरएल पैटर्न क्या देना पड़ेगा, एडमिन पैनल। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट यूजर्स, तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट यूजर हमारे पास अभी आ रहा है, पवन नाम का। अब ये डिलीट हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो। ठीक है, बट यूजर्स मॉडल के अंदर भी इसका कुछ डेटा है। ये pavan@gmail.com आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड, ये कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ,
ओके कर दिया, तो ये रिकॉर्ड यहाँ से हट गया। तो अब हम देखते हैं क्या ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। एक बार मैंने इसको यहाँ पे गया मैं स्टूडेंट यूज़र के अंदर, तो अब डेटा नहीं है, जीरो स्टूडेंट यूज़र्स। बट यूज़र्स मॉडल के अंदर जाता हूँ तो अभी भी ये डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम अगर नहीं चाहते हैं कि ये डेटा एग्जिस्ट करे यूज़र्स मॉडल के अंदर, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये यूज़र मॉडल के अंदर भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमने गलती जो की है, ठीक है, हम ट्राई करते हैं शायद इससे रिजॉल्व हो जाए। मुझे लगता है अगर मैं यूज़र मॉडल से डायरेक्ट डिलीट करूँगा तो बेटर रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक फिर से एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो यूज़र लॉगिन में जाके मैं क्रिएट एन अकाउंट में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, कुछ नाम मैं देता हूँ, अपूर्व नाम दे दिया मैंने, अपूर्व कुमार, एंड देन आफ्टर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, फिर मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया, तो ये पूरा फॉर्म मैं फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने दे दिया अपूर्व एंड अगेन APOORV, जो नाम था वही मैंने पासवर्ड में भी दे दिया, एंड एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो वहाँ पे जाके आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अब अगर हम देखें यहाँ पे यूज़र्स पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने दिया एडमिन एंड पासवर्ड भी दे दिया एडमिन, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। एंड अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और नया डेटा आ चुका है, अपूर्व। ओके, तो हम रिक्रूटर्स नहीं, स्टूडेंट यूज़र के अंदर जाते हैं तो ये आपको अभी दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है जबकि एक ही यूज़र है अभी यहाँ पे? क्योंकि ये जो डेटा है वो स्टूडेंट यूज़र से तो डिलीट हो जा रहा है बट जो हमारा यूज़र मॉडल था, ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट यूज़र टेबल, वहाँ से तो डेटा डिलीट हो रहा है बट उसके पेरेंट टेबल के अंदर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही रिकॉर्ड है अपूर्व नाम का। अब मैं चाहता हूँ दोनों मॉडल के अंदर से डेटा डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने यहाँ पे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट किया और आईडी के बेसिस पे डिलीट किया बस। बट इसके अलावा एक और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आईडी हम चेक कर रहे हैं वो रिक्रूटर, सॉरी, स्टूडेंट यूज़र नाम का जो मॉडल था उसका आईडी हम यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं, बट जबकि हमें यूज़र मॉडल का आईडी यहाँ पे कंपेयर करवाना है। तो हम जाते हैं यूज़र व्यू यूज़र्स नाम के पेज में जहाँ पे हमने आईडी को पास किया था। तो यहाँ पे हम आई डॉट आईडी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, आई डॉट यूज़र डॉट आईडी। ओके, एंड अब मैं इसको चेक करता हूँ एडमिन से लॉगिन करके, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो एडमिन लॉगिन पे जाके मैंने यहाँ पे एडमिन का नाम दिया, पासवर्ड दिया एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। एंड व्यू यूजर्स पे जाता हूँ तो एक डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ यूज़र मॉडल से भी ये डेटा डिलीट हो जाए। तो अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं यूज़र्स मॉडल के अंदर, तो अपूर्व नाम का जो डेटा था, अपूर्व@gmail.com, वो
डिलीट हो चुका है, एंड स्टूडेंट यूज़र के अंदर देखेंगे तो वो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। ओके, तो अगर मैं पेरेंट टेबल से डिलीट करूँगा तो चाइल्ड के अंदर भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा, बट अगर चाइल्ड के अंदर से डिलीट करूँगा तो पेरेंट के अंदर उसका कुछ डेटा रह जाएगा। तो उसको करेक्ट आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको आई डॉट आई डी ना लिखते हुए आई डॉट यूज़र डॉट आई डी लिखना है, एंड यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई में जहाँ पे हमने लिखा था स्टूडेंट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, वहाँ पे लिखना है यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो वही वर्क मुझे यहाँ पे भी करना है, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह रिक्रूटर लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमने यहाँ पे करेक्शन किया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे रिडायरेक्ट करना है रिक्रूटर अंडरस्कोर ओल वाले पेज पे। ओके, एंड रिक्रूटर ओल पे आते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे आई डॉट यूजर डॉट आई डी लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने आई डॉट आई डी लिखा था क्योंकि जो स्टेटस था वो तो रिक्रूटर मॉडल के अंदर था, बट ये जो यूज़र को हमें डिलीट करना है तो यूज़र का कुछ डेटा यूज़र मॉडल के अंदर था और कुछ डेटा रिक्रूटर मॉडल के अंदर था। तो हम चाहते हैं पूरी तरीके से यूज़र डिलीट हो जाए, यूज़र मॉडल से भी एंड रिक्रूटर मॉडल से भी। तो हमने यहाँ पे पेरेंट वाले टेबल का आईडी पास किया है क्योंकि पेरेंट वाले टेबल से डेटा डिलीट होगा तो चाइल्ड वाले से भी वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हम करके देखते हैं यहाँ पे डिलीट, और ये जो कुछ बचे हुए यूज़र्स हैं उनको भी हम डिलीट कर देते हैं, आई थिंक पवन एंड उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि कौन सा रिक्रूटर था। तो इसको मैं डिलीट करने की अगर कोशिश करूं तो पहले मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है डिलीट का। ओके, तो आई एम श्योर कर दिया मैंने। ओके, तो अब हम देखते हैं रिक्रूटर्स के अंदर, तो यहाँ पे एक डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। मयंक, एंड अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों से ये डिलीट होना चाहिए। एक बार मैं फिर से कोडिंग चेक कर लेता हूँ, व्यूज डॉट पी वाई के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ओके, रिक्रूटर डॉट डिलीट, एक बार इसका यू आर एल भी मैं चेक कर लेता हूँ। डिलीट अंडरस्कोर रिक्रूटर। ओके, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। हम चेक करते हैं यहाँ पे रिक्रूटर्स के अंदर, तो ये डेटा डिलीट हो चुका है, यूजर्स के अंदर भी ये मयंक नाम का जो रिकॉर्ड था वो हट चुका है, एंड ये वाला रिकॉर्ड भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये यूज़र अब एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट यूज़र मॉडल में, बट ये यूजर मॉडल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था तो वहां से भी हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये आपको करेक्शन अगर आप करेंगे तो काफी बेटर रहेगा क्योंकि कुछ डेटा पेरेंट मॉडल के अंदर से डिलीट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो ये मैंने करेक्शन यहाँ पे कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।